हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल सेकंड मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके आप जा सकते हो। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, सबसे पहले वेन्यू पर कैसा क्या प्रदर्शन रह रहा है ये आपको बताएंगे, उसके बाद प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बेस पे आप स्मॉल लीग में किस प्लेयर को ट्राई करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन है, जब एक दूसरे के टीम के खिलाफ प्लेयर खेलते हैं तो कैसा प्रदर्शन करते हैं, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जीएल खेलते हैं उनके लिए कि प्लेयर्स ने पहली इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है और सेकंड इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहली इनिंग में तो काफी अच्छा करते हैं बट सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहते हैं, और कई ऐसे भी हो जो सेकंड इनिंग में अच्छा करेंगे तो पहली इनिंग में फ्लॉप रहेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे सुनोगे तो आपके जीएल में अच्छे खासे रैंक आ सकते हैं। स्मॉल लीग में ज्यादा वो अप्लाई मत कर लेना फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग वाला, क्योंकि वो रिस्की पड़ जाएगा, खासकर वो जीएल में उसको फोकस में रख के चलना। बाकी देखो अगर इस मैच की बात किया जाए तो फ्राइडे को यह मैच खेला जाएगा 18 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे शारजहां क्रिकेट स्टेडियम के पिच पर। बात करते मतलब मैं इस मैच के बात करने से पहले उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं कि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। देखो लास्ट मिनट के जो सारे अपडेट रहते हैं लाइक प्लेइंग 11 में चेंजेस, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, पिच रिपोर्ट में चेंजेस, अगर ये सारे चेंजेस आपको अवॉइड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वहां अगर आपने ज्वाइन कर लिया मतलब आपकी विनिंग पहले से स्टार्ट हो गई है, मतलब जब आपने ज्वाइन किया तब की बात कर रहा हूं। बाकी और भी सारी चीजें अपडेट करते रहते हूं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेकआउट करो और फायदा उठाओ। रिपोर्ट की बात किया जाए तो देखो टोटल यहां पर 20 मुकाबले खेले गए जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 10 मुकाबले और जो टीम ने सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी किए वो भी 10 मुकाबले जीते हैं, तो दोनों का बराबरी का रिकॉर्ड है। बट अगर जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रगल कर रही है, ये चीजें आप ध्यान में रख के चलना। और यहाँ पर दोनों ही बराबरी की टीम है, वो जब अप्लाई होता है जब पहली इनिंग चाहे सेकंड इनिंग वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो होता है जब एक स्ट्रांग और एक वीक टीम के लिए होता है, बट यहाँ दोनों ठीक ठाक टीम है तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो कोलैप्स करने के चांसेस रखती हैं। बाकी 150 के नीचे आपको 17 बार स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में 3 बार स्कोर बनाए, मतलब मैक्सिमम टाइम मतलब 90% कह सकते हो कि 150 के नीचे ही स्कोर बनता है। बाकी अगर एवरेज स्कोर का बात किया जाए तो 116 रन, हाईएस्ट स्कोर 151 और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 69 रन 10 विकेट खोकर बनाए, मतलब आप कह सकते हो कि 116 से 120 के आसपास ही रन देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी पेसर और स्पिनर्स में बात किया जाए तो स्पिनर्स ने 73 विकेट पिक कर रखे हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 63% विकेट है, और अगर पेसर्स का बात किया जाए तो 37% विकेट पिक कर रखे हैं, मतलब टोटल 42 विकेट पेसर्स पिक करके जा रहे हैं। तो क्वालिटी स्पिनर्स को अपने टीम में रोटेट करके आप जा सकते हो। बाकी देखो मैं आपको अगर बात किया जाए इस मैचेस का जो कि इस ग्राउंड पर खेले गए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का लास्ट मुकाबला यहां पर खेला जाता है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 151 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में स्कोर किए थे और इंडिया की टीम इसके जवाब में 142 रन 9 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इसमें पेसर्स ने 3 और 3 और स्पिनर्स ने 4 और 3 विकेट पिक कर रखे थे। वहीं से पिछला मुकाबला स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था जिसमें स्कॉटलैंड की टीम ने 109 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर में स्कोर किए थे और इंग्लैंड की टीम इसके जवाब में 113 रन 0 विकेट खोकर इस टारगेट को चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 3 और स्पिनर्स ने भी 3 विकेट पिक किया था वो भी पहली इनिंग में। बाकी इससे पिछला मुकाबला श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था जिसमें श्रीलंका की टीम ने 115 रन 5 विकेट खोकर बनाए थे और न्यूजीलैंड की टीम इसके जवाब में 118 रन 2 विकेट खोकर इस टारगेट को चेस कर लिया था। बाकी इस मैच में पेसर्स ने ना पहली इनिंग में ना दूसरी इनिंग में दोनों में विकेट लेस रहे थे और स्पिनर्स दोनों में 5 और 7 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था जिसमें बांग्लादेश की टीम ने 103 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में स्कोर किए थे और वेस्ट इंडीज की टीम इसके जवाब में 104 रन 2 विकेट खोकर इस टारगेट को चेस कर लेते, जिसमें पेसर्स ने 0 और 1 और स्पिनर्स ने 7 और 1 विकेट पिक किया था। देखो अगर ओवरऑल आपको मैं बताऊं तो स्पिनर्स थोड़ा सा ज्यादा फेवर कर सकते हैं और पेसर्स को एक बार के लिए आप इग्नोर करके जा सकते हो। बाकी जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल करेंगे इस पिच पर रन स्कोर करने में, सबसे बड़ी बात ही आप ध्यान में रख के चलना।
ताकि अगर बात किया जाए लास्ट के 10 मुकाबले की, तो 8 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं और 2 मुकाबले आपको वेस्ट इंडीज की टीम ने जीते हैं। अगर रिसेंट में देखा जाए तो 3 मुकाबले आपको न्यूजीलैंड टीम जीत करा रही है और 4 मुकाबला आपको वेस्ट इंडीज टीम जीत करा रही है। और वेस्ट इंडीज की टीम ने लास्ट मैच में वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे अनएक्सपेक्टेड मैच खेला था, जिसमें इन्होंने इंग्लैंड को हराकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था, तो इस वजह से ये सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो मतलब इस मैच में न्यूजीलैंड को थोड़ा ज्यादा फेवर कर सकते हो इन कंपेयर ऑफ वेस्ट इंडीज की टीम को। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो देखो सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लीमर, अमिलिया कर, सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, इसाबेल गेज, फ्रैन जोनास, इडन कार्सन, लिया ताहू और रोजमेरी मेयर, ये हो सकती है न्यूजीलैंड वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर कार्सन, लिया ताहू और रोजमेरी मेयर कराएंगे और डेथ में आपको लिया ताहू, अमिलिया केर और इडन कार्सन आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स एंड रिकॉर्ड की, तो सबसे पहले सुजी बेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सुजी बेट्स एक ठीक ठाक फॉर्म में जा रही है, हेड टू हेड में भी देखा जाए तो और वेन्यू पर भी देखा जाए तो सिलेक्शन परसेंटेज 80 है, और जो कि डिजर्व भी करते हैं सिलेक्शन परसेंटेज का। मैं अपने टीम में बैटिंग सेक्शन से इकलौती बैट्समैन इनको ही अपने टीम में ट्राई करके जाऊंगा। प्लीमर लास्ट सेकंड मैच में 53 रन और जो एक लास्ट फिफ्थ मैच में 53 रन स्कोर किए हैं, तो सब लोग इनको ट्राई करके जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 53% लोगों ने ट्राई किया है। देखो सेफ टीम में मैं इनको नहीं ट्राई करूंगा, रिस्की टीम में एक बार के लिए ट्राई करके जा सकता हूं, बट सेफ टीम में एक प्रॉपर बॉलर फ्रेंडली टीम क्रिएट कर रहा हूं तो इनको मैं इग्नोर करके जाऊंगा इस मैच में। बाकी अमिलिया कर तो बाय डिफॉल्ट चॉइस रहनी चाहिए, क्योंकि ये विकेट भी अच्छे खासे निकाल रही है गुच्छे में और रन भी स्कोर करके जा रही है, तो ये आपके टीम के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगी कैप्टनसी के लिए भी। बाकी सोफी डिवाइन देखो रन स्कोर कर रही है और कभी कभार गेंदबाजी कर रही है, बट इस मैच में मेरे हिसाब से ये गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो एज अ प्योर बैटर इनको आप ट्राई करना चाहते हो तभी ट्राई करना, ऑलराउंडर के रूप में इनको ट्राई मत करना इस मैच में। बाकी देखो मैडी ग्रीन और ब्रूक हॉलिडे दोनों को जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग के लिहाज से ये उतनी अच्छी च्वाइस नहीं रहेंगी। बाकी इसाबेल गेज को भी जीएल में ट्राई करके चलना। बाकी फ्रैन जोनास देखो ये इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प प्लेयर रह सकती है, अगर किसी को अपने टीम में ट्रम्प प्लेयर के रूप में आपको ट्राई करना है तो जोनास को ट्राई करके चलो, या तो वन साइडेड जीतोगे या तो वन साइडेड हारोगे। बाकी देखो ताहू का बात किया जाए तो लास्ट मैच में 1 विकेट निकाले थे, थोड़ा सा अब पेसर्स का रोल खत्म होता जा रहा है, इसके वजह से अगर किसी पे आप रिस्क लेना चाहते हो और ड्रॉप करना चाहते हो तो ताहू के प्लेस पे फ्रैन जोनास को अपने टीम में रोटेट करके जा सकते हो। तो इडन कार्सन का बात किया जाए तो 2 विकेट लास्ट मैच में पिक किया था इन्होंने, उससे पहले 1 फिर 0 फिर 2 और 2, इनका सिलेक्शन परसेंटेज 72 है जो कि एक डिजर्व भी करती है 72 सिलेक्शन परसेंटेज की, तो मैं इनको अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जाऊंगा। बाकी नंबर 11 पे आपको रोजमेरी मेयर रहेंगी जो आपको प्रॉपर 4 ओवर की गेंदबाजी कर रही है, और ऐसी बात नहीं कि गेंदबाजी ही कर रही है विकेट भी निकाल कर जा रही है, तो मेयर को भी अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके आप जा सकते हो। बाकी देखो बेंच पे आपको जेस केयर, हाना रोय और मॉली फेंटफोल्ड दिखेंगे, अगर इन तीनों में से कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। देखो स्मॉल लीग में किनको ट्राई करना है, सुजी बेट्स बाय डिफॉल्ट, जॉर्जिया प्लीमर जीएल में ट्राई करना, अमिलिया केयर बाय डिफॉल्ट, सोफी डिवाइन बाय डिफॉल्ट, मैडी ग्रीन और ब्रूक हॉलिडे दोनों को जीएल में रोटेट करके चलना, उसके बाद यहाँ से इसाबेल गेज को भी जीएल में, फ्रैन जोनास को स्मॉल लीग में एज अ ट्रम्प आप ट्राई करके जा सकते हो। बाकी ताहू को जीएल में एक बार के लिए ड्रॉप करके चले जाना, स्मॉल लीग की टीम में सेफ टीम में इनको पिक कर रहा हूँ, रिस्की टीम में ड्रॉप करके जा सकता हूँ। कार्सन दोनों ही टीम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सेम विद मेयर, चाहे पहली इनिंग हो चाहे दूसरी इनिंग हो, दोनों इनिंग में इनको आप रोटेट करके जा सकते हो। तो अभी तक आपने बूम 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ना ही आपको जीएसटी पे करना पड़ता है ना ही टीडीएस पे करना पड़ता है, पहली ऐप बनी तो जो जीएसटी और टीडीएस फ्री फैंटेसी ऐप बनी थी, और यहाँ पर 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है, तो मान लो अगर पहले ओवर में विकेट गिरता है तो आप यहाँ पर आना और चेंजेस करके उस विकेट जो गिरा है उसका फायदा उठाना है यहाँ पे। बाकी 20,000 का फ्री गिवअवे मिलता है, तो जिस भाई के पास पैसे नहीं है यहाँ पर 20,000 तक फ्री मैच जीत सकता है। बाकी एंट्री फीस भी दूसरे ऐप के मुकाबले काफी कम पे करना पड़ता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर लेना और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चलेगा, और जो आने वाली कबड्डी लीग है बीबीएल उसमें अच्छे खासे सीरीज लीडर बोर्ड भी आएंगे, तो एक
कई शिकार कर सकते हो। देखो आपका विनिंग तो कंफर्म है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, सीरीज लीडर बोर्ड, मंथली लीडर बोर्ड, इन सब लीडर बोर्ड में अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर, क्वेना जोसेफ, डियंड्रा डॉटिन, एस कैंपेबल, सी हेनरी, एफ आई फ्लेचर, जाइडा जेम्स, आलिया एलाइन, के रामारैक और अश्विनी मुनिसार, ये हो सकती है वेस्ट इंडीज की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर आपको जाइडा जेम्स, सी हेनरी और हैली मैथ्यूज ने कराए थे, और डेथ में आपको ए फ्लेचर, चिनेल हेनरी और हैली मैथ्यूज आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बात करते हैं अब प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की और किसको हमें स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलना है। देखो हैली मैथ्यूज ने लास्ट मैच में काफी ज्यादा ही अहम योगदान दिया था, जिसकी वजह से अगेंस्ट इंग्लैंड जीत करा रही है, तो ये हमारी टीम के लिए डिफॉल्ट चॉइस रहने चाहिए और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में भी। स्टेफनी टेलर देखो इनको कभी बैटिंग से डिमोट कर दिया जाता है, कभी प्रमोट कर दिया जाता है, बट इस मैच में मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ओपनिंग ही बल्लेबाजी करेंगी, बट मैं इनको जीएल में ट्राई करूंगा क्योंकि गेंदबाजी कर नहीं रही है और बल्लेबाजी से भी ज्यादा उम्मीद इस पिच पर तो लगा नहीं सकते, तो इनको जीएल में ट्राई करके आप चलना। लास्ट मैच में जोसेफ ने 52 रन की पारी खेली तो 72% इनका सिलेक्शन परसेंटेज हो गया है, बट इससे पहले इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था तो 10% के अंदर सिलेक्शन परसेंटेज था, तो मैं तो नहीं ट्राई करने वाला क्योंकि हर एक मैच में ये 30 प्लस रन नहीं स्कोर कर सकते, तो इनको जीएल में रोटेट करके जाऊंगा। कैंपेबेल मजबूरी में इनको ट्राई करना है क्योंकि जो सामने वाले विकेट कीपर है मैडी ग्रीन और इसाबेल गेज, उनका बैटिंग पोजिशन काफी नीचे, तो इस वजह से मैं इनको अपने टीम में ट्राई करके जा रहा हूं। बाकी डियंड्रा डॉटिन और जाजा जोसेफ, देखो डियंड्रा डॉटिन ने लास्ट मैच में गेंदबाजी भी कराई थी और एक विकेट भी निकाले थे, और अगर ये प्रॉपर गेंदबाजी करने लग गए और ओपनिंग में बल्लेबाजी करने लग गए तो कैप्टनसी के लिए एक बेहतरीन चॉइस रह सकती है, बट अभी एज अ प्लेयर इनको टीम में ट्राई करके जा सकते हो। जाइडा जेम्स को जीएल में ट्राई करना और सी हेनरी को स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, बट इन सम सिचुएशन इनको ड्रॉप करके चलना क्योंकि मैक्सिमम टाइम फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं इसके वजह से। आलिया एलाइन ये तो बाय डिफॉल्ट जीएल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में काफी रिस्की रहेंगे। हाँ वेस्ट इंडीज की तरफ से एफआई फ्लेचर और के मारारैक ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, अगर वेस्ट इंडीज को जीतना इस मैच में तो इन दोनों को डेफिनेटली अपने टीम में रखना पड़ेगा। इनको इन्होंने विकेट भी निकाले तो दोनों को जीएल में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी रोटेट करके आप जा सकते हो। बाकी देखो अश्विनी मुनिसार इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं तो जीएल में इनको रोटेट करके चले जाना। बाकी एम मंगरू, एस कोनेल और सी नेशन ये तीनों आपको बेंच पे दिख सकते हैं। बात करते वेस्ट इंडीज की तरफ से किसको किसको ट्राई करना है, तो हैली मैथ्यूज बाय डिफॉल्ट, स्टेफनी टेलर मैं अभी के लिए ट्राई नहीं किया हूं और बाद में देखते हैं, फिर क्वेना जोसेफ इनको मैं ड्रॉप करके जा रहा हूं, कैंपेबेल मजबूरी में ट्राई करना पड़ रहा है इस वजह से इनको ट्राई कर रहा हूं मैं, बाकी डॉटिन को बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जाऊंगा, जाइडा जेम्स जीएल में, सी हेनरी इनको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो या तो पिक भी कर सकते हो, आलिया एलाइन जीएल में ट्राई करके चलना, और एफ आई फ्लेचर और के मारारैक इनको आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से ए मुनिसार को जीएल में हम ट्राई करके जाएंगे। बाकी देखो इधर से बात करें कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए, तो देखो सबके कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे हैली मैथ्यूज और अमेलिया केर, ये से इससे कोई तीसरा दिखेगा नहीं, और कोई रिस्क लेगा तभी सोफी डिवाइन या फिर ईडन कार्सन, फाइव फ्लेचर और डियंड्रा डॉटिन में से किसी को कैप्टन और वाइस कैप्टनसी दे के जा सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि जो मैचेस का वीडियो हम यहाँ पर नहीं अपलोड कर पाते हैं उसका वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। चलो बात कर लेते हैं टीम का, तो देखो कैंपेबेल जैसा कि बताया इनको मजबूरी में ट्राई करना पड़ रहा है, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, बेट्स को बैटिंग सेक्शन से बाय डिफॉल्ट, और ऑलराउंडर से बात की जाए तो कर मैथ्यूज, डियंड्रा डॉटिन, सोफी डिवाइन, अफाई फ्लेचर और यहाँ सॉरी ये चार ही होंगे, ये चारों के चारों बाय डिफॉल्ट रहेंगे। ये बॉलिंग सेक्शन से अफाई फ्लेचर, के रामारैक और लिया ताहू, रोजमेरी मेर और इडन कार्सन, ये पांच गेंदबाज को मैंने अपने टीम में ट्राई कर रखा है। कैप्टनसी मैंने अमेलिया कर और वाइस कैप्टनसी हैली मैथ्यूज को कर रखा है, आप चाहो तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी रोटेट कर भी जा सकते हो। बाकी